नमस्कार दोस्तों, आज की सीडी लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरे कैसेट के बारे में या फिर रेडियोग्राफिक कैसेट। रेडियोग्राफिक कैसेट या एक्सरे कैसेट जो कि मैनुअल फिल्म रेडियोग्राफी में भी यूज की जाती है और अपने जो आजकल डिजिटल जो रेडियोग्राफी है यानी कंप्यूटर रेडियोग्राफी है उसके अंदर भी उसका यूज किया जाता है। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर हम फिल्म का यूज करते हैं और उसके अंदर जो डिजिटल वाली होती है उसके अंदर पीएसपी स्क्रीन होती है, ठीक है, और इसके अंदर अपनी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, साथ में एक्सरे फिल्म होती है, ठीक है। तो ये मैनुअल फिल्म रेडियोग्राफी के अंदर ये बेसिकली यूज होती है। और जो आप ये देख पा रहे हैं ये 10x12 इंचेज की एक कैसेट है और इस कैसेट को हम, जैसे आप सभी को पता है कि लाइट प्रूफ रिजिड होल्डर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसके अंदर हम फिल्म को स्थापित करते हैं तो उसके बाद में इसके अंदर कोई भी लाइट यहाँ पर अंदर तक नहीं पहुँच पाती है, इसलिए इसको हम लाइट प्रूफ रिजिड यानी कि कठोर होल्डिंग सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हमने पढ़ा है कि इसकी दो सरफेस होती हैं या दो साइड होती हैं। एक तो होती है इसकी फ्रंट साइड, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक होती है इसकी ये बैक साइड, ठीक है। दोनों साइड्स की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये इसकी जो फ्रंट साइड होती है, जैसा आप सबको पता है कि ये लो परमाणु क्रमांक वाले पदार्थ से बनी होती है जिसका परमाणु क्रमांक बहुत ही कम होता है। और आप सब जो लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बन है, प्लास्टिक है या फिर अपना एल्यूमिनियम है। देखिए, जो स्टार्टिंग के अंदर जो कैसेट्स आई थी मैनुअल फिल्म रेडियोग्राफी के अंदर, तो वहाँ पर जो एल्यूमिनियम की जो फ्रंट सरफेस थी वो एल्यूमिनियम की बनी होती थी, लेकिन एल्यूमिनियम का तो परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसीलिए बाद में इसको चेंज किया गया और यहाँ पर कार्बन फाइबर की इसको फ्रंट सरफेस को बनाया गया। और फ्रंट सरफेस को आप जानते हैं, इसी के ऊपर अपन पेशेंट के बॉडी पार्ट को प्लेस करते हैं, स्थापित करते हैं, उसके बाद में बॉडी पार्ट के ऊपर एक्सरे जाती हैं, बॉडी पार्ट को ट्रांसमिट करती हैं और उसके बाद में इससे फ्रंट सरफेस के ऊपर आती है, फिर इसको ट्रांसमिट करके वो जाती है एक्सरे फिल्म के ऊपर, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन है यहाँ पर एक्सरेज का बॉडी पार्ट से लेके फिल्म तक है, तो उसके बीच में अपनी फ्रंट सरफेस आती है, ठीक है। तो फ्रंट सरफेस ऐसे पदार्थ से बनी होनी चाहिए जिसका कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो, यानी एक्सरेज ज़्यादा से ज़्यादा उससे गुजर सके। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, ठीक है, और अपनी कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक है। तो 6 और 13 में लगभग डबल का डिफरेंस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है सबसे ज़्यादा किससे होगा? परमाणु क्रमांक जिसका कम होगा, यानी कि कार्बन फाइबर की ये बनी होती है, तो इससे सबसे कम होगा। इसका डबल होता है किसके अंदर? एल्यूमिनियम के अंदर, यानी कि एल्यूमिनियम के अंदर ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर 100% होता है तो एल्यूमिनियम के अंदर ट्रांसमिशन कितना होगा? 50%, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसके फ्रंट सरफेस को बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये देखो ये कॉर्नर हो जाते हैं इसके चारों कॉर्नर इस कैसेट के, और अब हम बात करते हैं इसके बैक साइड की। देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा कि बैक साइड की जो सरफेस होती हैं वो किस मटेरियल से बनाई जाती है। ये पूरी बैक साइड है इसकी, ठीक है, ऐसे ओपन होती है ये इसकी बैक साइड है। अब ये बैक साइड होती है, आप सबको पता है, ये हाई परमाणु क्रमांक वाले पदार्थ से बनी होती है, और आप सब लोग जानते हैं वो बेसिकली हम लेड का या शीशे का इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के अंदर, ठीक है। वो क्यों बनाते हैं, इसका भी कारण होता है। इसका कारण ये होता है कि जो परमाणु क्रमांक जिसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एटीन्यूएट कर पाता है रेडिएशन को, ठीक है। तो जो देखो फ्रंट सरफेस से जो इस तरफ से जो आने वाली रेडिएशन होती है, इस तरफ से वो इस तरफ गुजरेगी, इस तरफ से, तो क्या होगा, वो बैक स्कैटर होगी। तो उसको क्या किया जाता है, इस लेड के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उसको पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिया जाता है इस लेड के द्वारा, ठीक है। इसलिए हम इसको लेड से हाई परमाणु क्रमांक वाले मटेरियल से बनाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, रेडिएशन की बैक स्कैटरिंग होगी और ये रेडिएशन वापस से उसी दिशा के अंदर फ्रंट साइड की तरफ जाएगी और एक्सरे जो फिल्म होती है उसकी इमेज की क्वालिटी को ये क्या कर देगी, यहाँ पर डिग्रेड कर देगी उसकी इमेज क्वालिटी को, ठीक है। इमेज क्वालिटी डिग्रेड हुई तो क्या होगा, एक्सरे फिल्म की जो डायग्नोस्टिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर लॉस हो जाएंगी। अब देखिए बात करते हैं बैक साइड के ऊपर क्या क्या यहाँ पर लगे हुए होते हैं। देखो, एक तो इसको ये पकड़ने के लिए कुछ सिस्टम होता है, एक स्ट्रिप होती है, तो इससे पकड़कर हम इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये बुक लाइक स्ट्रक्चर की तरह ओपन होती है, ठीक है। यहाँ पर एक ये चीज़ होती है, दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम, ठीक है। ये दो लॉक होते हैं इसके, ठीक है, इंटरलॉक। अब जैसे ही हम देखो इसको ये कुछ उठा हुआ होता है दोनों तरफ से, ये स्ट्रिप्स इसकी, जैसे ही मैं इसको दबा कर दोनों तरफ से दबा कर इसको अंदर की तरफ ऐसे करूँगा,
मूव करवाऊंगा तो ये इसकी दोनों तरफ की जो सरफेस होती है इसके अंदर क्या इंटरलॉक हो जाती है। देखिए मैं इसको वापस खोलूंगा तो ये कैसी होगी, ये देखिए ये खुल गई ना। जैसे ही मैं इसको इंटरलॉक करूंगा तो इसके अंदर चली जाएगी। तो ये लॉकिंग सिस्टम होता है, कईयों के अंदर अलग सिस्टम होता है लॉकिंग का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ होती है लॉक के अलावा, एक होती है पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन विंडो। देखिए ये क्या कुछ उठती है यहाँ से, ये प्लास्टिक का होता है और इसके बीच में अपन जो वो पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन का जो कार्ड होता है वो इसके अंदर डाल देते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि किस पेशेंट का एक्सरे है। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं यहाँ पर ये कुछ लैचेज, जो इसको हिंज भी कहते हैं अपन, और इन्हीं की सहायता से ये जो कैसेट होती है, ये बैक सरफेस होती है वो फ्रंट से जुड़ी होती है और ये एक हिंज की तरह पुली लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये क्या होती है, ओपन होती है, ठीक है। तो ये हो गई इसके बैक सरफेस, बैक सरफेस के ऊपर इतना ही है। ये लैड से बनी होती है, दो इसके ऊपर लैचेज होती हैं या जो जो इसको हिंज करके रखती हैं, एक आइडेंटिफिकेशन विंडो होती है और इसके ऊपर दो लॉक होते हैं इसको लॉक करने के लिए और एक इसको उठाने के लिए यहाँ पे स्ट्रिप होती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब हम बात अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। अब देखिए ये इसकी बैक साइड है, तो इसकी बैक साइड और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो इन दोनों के अंदर की तरफ दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स क्या होती है, चिपकी हुई होती हैं या फिर माउंटेड होती है। इन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स के बीच में ही हम क्या करते हैं, फिल्म को यहाँ पर प्लेस करते हैं, स्थापित करते हैं, फिल्म को यहाँ पर लगाते हैं और ये दोनों फिल्म, ये फिल्म क्या करती है, ये दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स क्या करती है, उस फिल्म को अच्छे से पकड़ कर के रखती है। अब देखिए यहाँ पर ये तो फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स हो गई और ये बैक सरफेस के अंदर की तरफ ये बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हो गई। अब देखिए एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि यहाँ पर कुछ रेडियोल्यूसेंट मटीरियल होता है जो कि बैक साइड और जो बैक साइड की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है उन दोनों के बीच में स्थापित होता है। देखिए आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कि रेडियोल्यूसेंट मटीरियल है जो कि प्लास्टिक या फोम से बनाया जाता है, यहाँ पर ही क्या है फोम है, इसको चिपका दिया जाता है और इसके ऊपर ही हम क्या करते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को चिपका देते हैं। तो जैसे ही हम इसको देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बंद करेंगे यहाँ पर, तो इसके बीच में अपनी जो एक्सरे फिल्म होती है वो क्या हो जाती है, फंस जाती है और वो इसको दोनों तरफ से जकड़ लेती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से और ये जो फोम होता है उसके ऊपर प्रेस हो जाता है, प्रेस होकर उसको अच्छे से दबा कर रखता है ताकि इमेज की क्वालिटी में किसी प्रकार का डिग्रेडेशन नहीं आए। यानी कि यदि फिल्म मूव होगी तो क्या होगा, वहाँ पर मूवमेंट होगा, मूवमेंट आर्टिफैक्ट्स आएंगे फिल्म के अंदर, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हैं यहाँ पर ये रेडियोल्यूसेंट मटीरियल या फोम का यूज यहाँ पर हम करते हैं। तो ये हमारी एक्सरे कैसेट होती हैं। देखिए एक्सरे कैसेट के साइज़ की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक्सरे कैसेट अलग अलग साइज़ के अंदर अवेलेबल होती है। कि स्टार्टिंग से जब इसका साइज देखें तो 8x10 inches की होती है, उसके बाद में ये अपनी जो कैसेट है 10x12 inches की है, इसके बाद में आती है 15x15 inches की, एक आती है 14x17 inches की, ठीक है। तो इस साइज़ के अंदर अलग अलग साइज़ के अंदर 12x15 inches के भी एक कैसेट आती है। तो अलग अलग साइज़ के अंदर कैसेट्स अवेलेबल होती हैं, उसी फॉर्मेट के अंदर अपनी जो फिल्म आती है वो उनका पैकेट आता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो लेक्चर, ये प्रैक्टिकल वीडियो लेक्चर है आपकी, तो इसी तरह की और वीडियो लेक्चर्स आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।